नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कोई आपसे पूछे कि इन दिनों बिहार में क्या चल रहा है तो आप ये बिल्कुल नहीं कहिएगा कि बिहार में इन दिनों सर्दी पड़ रही है। नहीं, सर्दी तो पड़ रही है, लेकिन बिहार से इन दिनों जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि बिहार में इन दिनों मचा हुआ है सियासी घमासान। घमासान महागठबंधन में भी है और बिहार एनडीए में भी घमासान मचा हुआ है। आज हम बात करेंगे बिहार एनडीए में मचे घमासान। तो पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और जेडीयू के बीच लगातार बयानबाजी हो रही है। सोशल मीडिया पर पहले अभिषेक झा, उसके बाद निखिल मंडल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को घेरा, तो बीजेपी की तरफ से भी जवाब देने में कोई देरी नहीं लगाई थी। अब बीजेपी के बड़े नेता और सासाराम से लोकसभा के सांसद छेदी पासवान ने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। छेदी पासवान ने जो कुछ भी कहा, जाहिर है उस तरह का बयान गठबंधन में रहकर कोई नहीं करेगा। बात करेंगे इस बयान की, इसके असर की, लेकिन सबसे पहले छेदी पासवान का बयान सुनिए। जो दाऊद इब्राहिम की बात बोले हैं उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। वो पद के लिए किसी आदमी से हाथ मिला सकता है। दाऊद इब्राहिम तो एक उदाहरण है, मतलब किसी पार्टी के साथ वो हाथ मिला सकते हैं। अब बयान ही ऐसा था जिस पर बवाल मचना तय था। दाऊद के साथ जाने और दाऊद से हाथ मिलाने की बात बीजेपी को नागवार गुजरी। प्रवक्ताओं ने पलटवार भी किया। वशिष्ठ बाबू जैसे वरिष्ठ नेता को बीच बचाव में आकर यह कहना पड़ा किस तरह की बयानबाजियों से गठबंधन को नुकसान होता है। लेकिन अब हो भी क्या सकता था। कहते हैं ना कि कमान से छूटा हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात लौटकर वापस नहीं आती। तो विपक्ष को बैठे बिठाए मजा लेने का मौका मिल गया, तो कूद पड़े सियासी सूरमा मैदान में मजा लेने के लिए और सीधे हमला किया बिहार की एनडीए सरकार पर। छेदी पासवान अकेले नेता नहीं है जो जेडीयू पर हमलावर है। बिहार बीजेपी में नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है जो गाहे बगाहे नीतीश कुमार और जेडीयू पर निशाना साधने के मौके तलाशती रहती है। जाहिर है इन बयानों का पलटवार भी जेडीयू की तरफ से आता है, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर इन तमाम बयानों का ज्वाइंट रिएक्शन बिहार के पॉलिटिकल इक्वेशन को किस कदर प्रभावित करता है। तो आज के लिए इनसाइड स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।